आपको आपकी बीएमजी या बीएमसी का आईडी नंबर डालना है। यहाँ पे हमने एक सैंपल शॉपी की तैयारी की है, आपको वहाँ पे जाके आपके अपने शॉपी नंबर टाइप इन करना है, जैसे कि आपका शॉपी नंबर है बीएमजी। फिर जहाँ पे कोड का ऑप्शन दिया है वहाँ पे दोबारा आपको आपका बीएमजी नंबर टाइप करना है, और फिर पासवर्ड का ऑप्शन दिया गया है वहाँ पे आपको आपका पासवर्ड टाइप इन करना है। अगर आप न्यू शॉपी यूजर से आपने पहली बार शॉपी यूज कर रहे हैं तो आपको आपका पासवर्ड जानने के लिए फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे 10 से 15 मिनट में वो पासवर्ड आपको मिल जाएगा। और आपको सजेशन ये है कि जैसे ही आपको ये रजिस्टर्ड पासवर्ड मिलता है आप शॉपी में जाके आपको आसानी से याद रहे ऐसा नया पासवर्ड आप जाके सेट कर सकते हैं, और या किसी वजह से आप पासवर्ड भूल गए हैं तो भी यही प्रोसेस से आप नया पासवर्ड ले सकते हैं। तो लॉगिन पे क्लिक करें। लॉगिन पे क्लिक करके ये आपका शॉपी का डेस्कटॉप पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें ऊपर की तरफ आपकी शॉपी आईडी, आपका शॉपी का रजिस्टर्ड नेम, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और आपके शॉपी में आया हुआ आपका इनकम या शॉपी में रखा हुआ आपका बैलेंस बताएगा। किसी वजह से आपको लगता है कि ये बैलेंस गलत है या ठीक नहीं बता रहा है तो आप रिफ्रेश बटन पर क्लिक करेंगे तो दोबारा नया बैलेंस आ जाएगा जो सही है। आगे बढ़ते हुए ये हमें ट्रांजेक्शन्स करके हमारा मेन हेडिंग है, उस पर जब भी आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से सब हेडिंग्स ओपन होंगे। तो सबसे पहले आप ये जानना चाहेंगे कि कैसे आप आपकी शॉपी में जाके आपका ऑर्डर प्लेस करें। तो ट्रांजेक्शन में क्लिक करने के बाद आप ऑर्डर रिक्वेस्ट पे क्लिक कीजिए। ऑर्डर रिक्वेस्ट पे क्लिक करके इस तरीके से पेज ओपन होगा जहाँ पे आज से जाके आपको प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल आपने अल्का प्योर सिलेक्ट किए, उसकी यूनिट की प्राइस, अब आपको कितनी अल्का प्योर लेनी है, 1, 2, 5, 10 के हिसाब से आप आपकी क्वांटिटी डाल सकते हैं। जहाँ पे उसका अमाउंट आ जाएगा, जीएसटी आ जाएगी, टोटल अमाउंट भी आ जाएगा। अब आप एक और प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो ये प्लस की साइन दी है वहाँ जाके आप जब क्लिक करेंगे तो दोबारा नया स्पेस ओपन होगा। यहाँ पे आप नेक्स्ट प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने सिलेक्ट किया एक्वामिस। अब मुझे एक्वामिस की यहाँ पे क्वांटिटी डालनी है, कितनी क्वांटिटी है, इसका नेट अमाउंट आ जाएगा कि आपने अगर 5 एक्वामिस की तो उसकी क्या प्राइस है, उसका जीएसटी, टोटल प्राइस। किसी वजह से आपने गलत प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिया कि अब मुझे ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वहीं पे बाजू में एक माइनस की साइन भी दी है, उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे वो प्रोडक्ट डिलीट हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपके ऑर्डर की क्वांटिटी, जीएसटी प्राइस, टोटल अमाउंट आ जाएगा। एक बार पूरा ऑर्डर देने के बाद ध्यान से देख लीजिए कि क्या आपने ये ऑर्डर सही प्लेस किया है, कोई कम ज़्यादा नहीं हो रहा है, ताकि आपको आपका ऑर्डर किया हुआ प्रोडक्ट ही आपको मिले। और यही वहीं पे ऊपर दिया गया है दो ऑप्शन, कंपनी एंड बीएसडी। बीएसडी हमारी कलकत्ता की रजिस्टर्ड ऑफिस है और कंपनी यानी कि हमारी अहमदाबाद की हेड ऑफिस है। अगर आपने गलती से बीएसडी क्लिक किया है तो ये ऑर्डर कलकत्ता ऑफिस में चला जाएगा। अगर आप कंपनी में ऑर्डर करना चाहते हैं तो कंपनी पे ही क्लिक करें, ये ज़रूर ध्यान रखिए। यहाँ पे जब आपने पूरी डिटेल भर दी है, एक और प्रोडक्ट को ऐड कर देते, एक्वामिस्ट को ही कर देते, 36 यूनिट है, आपकी प्राइस होगी, टोटल अमाउंट हो गया है। और यहाँ पे रिक्वेस्ट बटन दिया गया है नीचे कोने की तरफ, वहाँ पे आपको क्लिक करना है और ऊपर आपको ऑप्शन आएगा आर यू श्योर यू वॉन्ट टू रिक्वेस्ट, ये मैसेज आता है तो इसका मतलब आपको दोबारा ऑप्शन है। एक बार आप फिर से देख लें कि जो आपने ऑर्डर दिया है वो सही है और उसमें कोई गलती नहीं है। आप जब 100% श्योर हो जाए उसके बाद ही ओके पे क्लिक कर दें। आपकी ऑर्डर रिक्वेस्ट सक्सेसफुली प्रोसेस हो गई है। जैसे ही आप ऑर्डर रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सेंड हो जाएगी ये आपका ऑर्डर रिक्वेस्ट लिस्ट आ जाएगा,
कि अब तक आपने जब से बेनमून में जुड़े हैं तब तक में आपने कौन से ऑर्डर्स दिए हैं, कौन सी तारीख को दिए हैं, कितने ऑर्डर्स आपके रिजेक्टेड हुए हैं और कितने एक्सेप्ट हुए हैं। फिर आप वापस बैक टू ट्रांजेक्शन्स पे हम जाएंगे, वहाँ पे ऑर्डर रिक्वेस्ट स्टेटस भी है। आप कभी भी सीधा जाके भी देखना चाहते हैं कि आपने कब कब कहाँ कहाँ बेनमून से ट्रांजेक्शन्स किए हैं तो वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं। दोबारा ट्रांजेक्शन्स में जाके आपको अप्रूव इनवॉइस रिक्वेस्ट में जाना है। अप्रूव इनवॉइस रिक्वेस्ट ऑप्शन ये है कि जब कोई BMG यानी कि मेगा शॉपी में कोई माइक्रो शॉपी ऑर्डर करता है तो वो कहाँ से देखे, या कोई माइक्रो शॉपी ऑर्डर लेना चाहते हैं आपकी BMG पे आके, तब आपको ट्रांजेक्शन में जाके अप्रूव इनवॉइस रिक्वेस्ट में जाना है। तो यहाँ पे आपको शॉपी नंबर डालना है, BMC नंबर डालना है। हमने एक डेमो के लिए एक BMC शॉपी बनाई है, आपको आपकी BMC शॉपी के ही नंबर डालने हैं। वहाँ पे उसकी कब तारीख की है, जैसे कि आपको पता नहीं है कौन सी तारीख को किया है तो उस तारीख को सिलेक्ट करें, या अब तक की आखिरी जो तारीख है उसको डाल दें, तो गो करेंगे तो अब तक के जो भी ऑर्डर आपके पास आए हैं BMC की तरफ से, या आप किसी वजह से उसे अप्रूव करना भूल गए तो यहाँ पे सारी की सारी जानकारी आ जाएगी। और यहाँ पे ये जो राइट का बटन दिया गया है, यहाँ पे ये मेरा जहाँ पे माउस है वो ग्रीन कलर में, वहीं पे आप जब क्लिक करेंगे अप्रूव पे तो आपके सामने ये विंडो ओपन होगी जिसमें ये दिखाएगा माइक्रोशॉपी का ID नंबर, माइक्रोशॉपी का GST नंबर और माइक्रोशॉपी में जमा पड़ी राशि का पूरा अमाउंट दिखा जाएगा। अब आपको जाके यहाँ पे प्रोडक्ट सिलेक्ट करने हैं कि माइक्रोशॉपी को कौन से प्रोडक्ट्स चाहिए। यहाँ पे जब आप पूरे प्रोडक्ट्स की जानकारी डाल देंगे, क्वांटिटी, GST, प्राइस आ जाएंगे, आप कौन से ट्रांसपोर्ट के थ्रू भेजेंगे, उसका ट्रांसपोर्ट का नंबर, रिमार्क्स डालना चाहे, और ये प्रोडक्ट या ऑर्डर आपने अप्रूव किया है कि नहीं उसका आपको यहाँ पे छोटा सा रिमार्क डालना है। ये लिखने के बाद अब अगर कोई माइक्रोशॉपी आती है जो चाहती है कि उसकी शॉपी का बैलेंस यूज़ किया जाए, यह कई बार सवाल आता है कि माइक्रोशॉपी में पड़ा हुआ बैलेंस को कैसे आप लें, तो शॉपी बैलेंस पे क्लिक करेंगे तो किसी ने अगर माइक्रोशॉपी में 5,000 का बैलेंस पड़ा है पर ऑर्डर 20,000 का दिया है तो 5,000 का बैलेंस आप शॉपी बैलेंस से ले सकते हैं और बाकी 15,000 आप कैश, चेक, DD या जो भी अनुकूलता उससे करेंगे। पर कोई भी माइक्रोशॉपी की इजाज़त के बिना उसकी शॉपी से बैलेंस नहीं ले सकते, वो सिक्योरिटी का ध्यान रखते हुए ही हमने ऑप्शन रखा है कि जैसे आप यहाँ पे अप्रूव के क्लिक करेंगे, अप्रूव इनवॉइस पे करेंगे क्लिक, तो यहाँ पे एक OTP जनरेट का ऑप्शन आएगा। OTP सीधी माइक्रोशॉपी के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जाएगी और जब माइक्रोशॉपी ओनर वो OTP मेगा शॉपी वाले को देंगे तो ही उसकी शॉपी में से बैलेंस कट होगा, वरना आपकी शॉपी में से कोई बैलेंस ले नहीं सकता। ये आपकी सिक्योरिटी का बेनमून पूरी तरीके से ध्यान रखते हुए ये एक ऑप्शन आप में दिया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं जनरेट इनवॉइस। ये अगर आपके पास कोई डायरेक्ट एसोसिएट्स आता है या कोई शॉपी ऑलर आता है कि कैसे शॉपी पैसे आके इनवॉइस बनाए, तो ऊपर ऑप्शंस दिए हैं शॉपी के लिए है, अपग्रेड यानी कि कोई न्यू ज्वाइनिंग एसोसिएट है तो उसके लिए, रीपर्चेस वही एसोसिएट जब दोबारा आपसे माल खरीदने आते हैं तब रीपर्चेस सिलेक्ट कीजिए, ट्रेनिंग पैकेज है तो ट्रेनिंग पैकेज को सिलेक्ट कीजिए, और अगर आपके पास कोई वाउचर्स है जैसे कि हमारी कंसिस्टेंसी ऑफर्स है या कोई कंपनी के द्वारा दिए वाउचर्स है तो वाउचर को सिलेक्ट कीजिए। ये चीज़ को खास ध्यान रखिए और उन दिनों में तो खास क्लोजिंग के दिनों में जब आप थोड़ी सी जल्दबाजी में रहते हो और गलत सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि एक बार जो आपका सिलेक्शन हो गया वो फिर कैंसिल नहीं हो सकता। फिर यहाँ पे अपग्रेड पे डाला और यहाँ पे आपको एसोसिएट की ID डालनी है और सबमिट करना है। ये ID हमने सिर्फ एक डेमो के लिए बनाई है, ये आपको ये ID इस्तेमाल नहीं करनी है। और सेम जैसे आपने BMC और BMG के प्रोडक्ट के इनवॉइसेस बनाए थे वही सारी प्रोसेस फॉलो करनी है, सारी जानकारी डालनी है इसमें। और यहाँ पे बैंक, क्रेडिट, DD, चेक का ऑप्शन आप तक दिया जाएगा।
अब प्रिंट इनवॉइस। प्रिंट इनवॉइस बड़ा आसान है, आप हेडिंग से समझ गए होंगे कि अगर आपने एक बार ट्रांजेक्शन कर दिया और किसी को बिल की जरूरत है, बिल देना ना भूले, तो यहाँ पे जाके कब आज की तारीख, इनवॉइस का डिटेल और गो प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे सारा का सारा इनवॉइस का लिस्ट आ जाएगा। ये तब भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि जल्दबाजी में कोई एसोसिएट आए और उन्होंने किसी वजह से अपना इनवॉइस खो दिया है, उन्हें दोबारा प्रिंट चाहिए, तो भी यहाँ जाके आप दोबारा उसको प्रिंट कर सकते हैं। अब है दूसरी अहम चीज, वो है बैलेंस। बैलेंस यानी कि कैसे आप अपना ऑर्डर का राशि यानी कि पेमेंट कैसे जमा करें, कैसे कंपनी को आप आपकी पेमेंट डिटेल्स भेजें। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, कैश, चेक, डीडी, बैंक ट्रांसफर। अगर आप चेक से कर रहे हैं तो चेक नंबर, चेक की डेट, कौन सी बैंक से, कौन से स्टेट से, कौन से अकाउंट से किया है, ये पूरी जानकारी आपको इसमें भरनी है। उसके बाद जब आप बैंक में आपका चेक जमा करते हैं, उसके बाद डिपॉजिट स्लिप आपको दी जाएगी। वो डिपॉजिट स्लिप यहाँ पे चूज फाइल पे जाके आपको अपलोड करनी है। ध्यान रखिए वो स्लिप या उसका फोटो 300 KB से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, वरना यहाँ पे अपलोड नहीं होगा। ये है मैसेज ऑप्शन। जिस तरीके से आप आपका जीमेल, याहू, ये सब मैसेज यूज करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे बेनमून ने एक बड़ी ही अच्छी सुविधा आपके लिए दी गई है, जिसके थ्रू आप कंपनी से डायरेक्ट आपके मैसेज पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ मैसेज में जाने के बाद कंपोज का ऑप्शन दिया है, यहाँ पे जाके आप आपकी क्वेरीज लिख सकते हैं, जनरल है, पे आउट के रिगार्डिंग है, क्या सब्जेक्ट है और आपकी क्या क्वेरी है, पूरी आप टाइप करके हमें भेज देंगे तो हम तक पहुंच जाएगी और हमारा स्टाफ आपको जल्द से जल्द 24 to 48 hours में आपको रिवर्ट कर देंगे। इनबॉक्स में जाके आप देख सकते हैं आपने कब कब कौन से मैसेजेस कंपनी को भेजे हुए हैं। फिर है अनरीड मैसेजेस, अगर आपको किसी की तरफ से, कंपनी की तरफ से या आपके एसोसिएट की तरफ से या BMC होल्डर से कोई मैसेज आए तो वो यहाँ जाके देख सकते हैं। और इन सब का शॉर्टकट्स भी आपको आपके डेस्कटॉप पे दिया गया है। रीड मैसेजेस, कौन से मैसेजेस आपने पढ़े या कौन से आप गलती से भूल चुके हैं, और ये आपने किन किन लोगों को मैसेजेस की रिप्लाई दी है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, इससे आप कभी भी कंपनी को 24 आवर्स में मैसेजेस भेज सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, KYC। KYC वो है जहाँ पे आपकी पहचान के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते रहते हैं, आपकी शॉपी क्रिएट करने के लिए और आपकी एसोसिएट ID क्रिएट करने के लिए। तो KYC के लिए सिलेक्ट कर यहाँ पे प्लस की एक साइन दी गई है, वहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा किस तरीके का डॉक्यूमेंट्स आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये डिटेल है, पैन कार्ड, बैंक प्रूफ, ID प्रूफ या एड्रेस प्रूफ। अगर आप पैन कार्ड सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको पैन कार्ड की फ्रंट साइज की कॉपी की फोटो अपलोड करनी है और यहाँ पे वही ID प्रूफ की बैक साइड की फोटो अपलोड करनी है। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर यानी कि आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट का जो भी नंबर है वो टाइप इन करना है, ताकि अगर किसी वजह से कोई आपकी अपलोडेड फोटो ठीक से नहीं दिख रही है तो हम नंबर देख के उसको वेरीफाई कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है, आपके KYC डॉक्यूमेंट्स ध्यान से अपलोड कीजिए। और यहाँ पे हमने नीचे मेंशन भी किया हुआ है कि किस तरीके की फाइल एक्सेप्टेड की जाएगी, PNG, JPG और 200 KB से बड़ी फाइल नहीं होनी चाहिए प्लीज। आगे बढ़ते हुए ये एक दूसरा इम्पोर्टेंट हेडिंग है, रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स में आप जाके आप देख सकते हैं करंट स्टॉक यानी कि आपकी शॉपी में कितना स्टॉक अभी आपके पास हाल मौजूद है। अभी जैसे त्योहार आ रहे हैं, दिवाली आ रही है या होली आ रही है, तो आप आपकी प्री प्लानिंग कर सकते हैं कि मुझे कितना सेल्स लगेगा, कितनी डिमांड लगेगी, तो यहाँ जाके आप आपका फ्यूचर प्लान कर सकते हैं। और कई बार ये होता है कि आपके पास शॉपी में प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं पर शॉपी का एक्चुअल प्रोडक्ट्स और स्टॉक दोनों अलग होते हैं, इसलिए यहाँ जाके आप दोनों ही टैली कर सकते हैं। एग्जॉस्टेड स्टॉक,
एग्जॉस्टेड स्टॉक यानी कि आप कितना अब तक माल बेच चुके हैं अपनी शॉपी से और कितना माल आपके यहाँ से जा चुका है। दूसरा वहीं पे है सेल्स रिपोर्ट, टोटल सेल्स रिपोर्ट, कौन से प्रोडक्ट कितने आप बेच चुके हो, कौन से प्रोडक्ट आपकी शॉपी में आपके एरिया में सबसे ज़्यादा चल रहे हैं। उसी में आप इंडिविजुअल प्रोडक्ट भी देख सकते हैं कि स्पेसिफिकली यहाँ पे मैंने पूरे साल में आयुर्वर्धन की कितनी बोटलें बेची, अल्का प्योर की कितनी बेची, या मेरे यहाँ पे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ऑयल घी कितना गया, या खेती के प्रोडक्ट्स कितने गए हैं, तो एक आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मेरे इलाके में या मेरे डिस्ट्रिक्ट में कौन से प्रोडक्ट्स सबसे ज़्यादा चलते हैं। ये आपके लिए बहुत ही अहम चीज़ है। आगे बढ़ते हुए परचेस रिपोर्ट है, टोटल परचेस, अब तक आपने कंपनी से कितना परचेस किया है, प्रोडक्ट वाइज कितने परचेस किए, कितने प्रोडक्ट इंडिविजुअली आपने परचेस किए हैं कंपनी से, और वहीं पे प्रिंट परचेस। ये आप अगर पूरे साल का या हर महीने का आपके अकाउंटेंट को, आपके सीए को या टैक्स में सबमिट करना चाहते हैं या आप फाइल बनाना चाहते हैं तो उसका अगर आप प्रिंट आउट चाहते हैं तो आप कौन सी तारीख से या कौन से महीने से उसे लेना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पूरे साल का अब तक का हिसाब लगाना है तो जनवरी से अक्टूबर 11 तक मैंने सिलेक्ट की है, और मेरे कौन से स्टेट में कौन से प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिके हैं तो वो आप स्टेट्स भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही ग्रो पे क्लिक करेंगे ये आपके इनवॉइसेस आ जाएंगे, यहाँ पे कौन सा इनवॉइस नंबर, कौन सी तारीख को जनरेट हुआ और किसको दिया गया है, और यहाँ पे राइट में प्रिंट का ऑप्शन दिया गया है। ये आपका प्रिंट इनवॉइस आपके सामने आ जाएगा, जिसे आप यहाँ पे प्रिंट पे जाके क्लिक करेंगे तो ये इनवॉइस प्रिंट हो जाएगा, जिसमें आपकी शॉपी की डिटेल, कंपनी की डिटेल और सारे इनवॉइस नंबर यहाँ पे ऊपर दिया गया है, वो भी आप टैली कर सकते हैं। रिपोर्ट्स में एक और ऑप्शन है स्कीम क्वालिफाइड। कई बार हमें पूछा जाता है कि क्या ये महीने ये स्कीम अवेलेबल है, क्या मेरी शॉपी से ये स्कीम दी जा सकती है, क्या मेरी शॉपी ने ये स्कीम जनरेट की है, तो यहाँ पे जाके आप सारी स्कीम्स की डिटेल्स ले सकते हैं। और जैसे ही आप स्क्रीन पे अपना एरो रखेंगे नीचे छोटा रिमार्क आ जाएगा ये कौन सी स्कीम है, कब तक चल रही है और इसकी वैलिडिटी अवैधता कब तक है। जैसे अभी ये आपने किया बाय 5 get 1 free प्रोडक्ट्स, अगर आपने किसी को भी बाय 5 free 1 प्रोडक्ट्स के इनवॉइसेस आपकी शॉपी में बनाए हैं और कितने बनाए हैं स्कीम में, तो उसका सारा लिस्ट यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा। फिर है अकाउंट एंड लेजर, ये भी एक बहुत ही अहम इम्पोर्टेंट सब टॉपिक्स है कि आपने पूरे साल में कितने पैसे की लेन देन की है, कब कब की है, किससे की है, तो यहाँ पे भी आप साल का पूरा मुआयना ले सकते हैं। जैसे जनवरी से पहली से मैंने सिलेक्ट किया है और अभी तक अक्टूबर कल तक की तारीख तक का, तो ये मेरा अकाउंट के लेजर से पूरा लेजर आ जाएगा कि कब तक आपने पैसे जमा किए और कब कब उन पैसों के बदले में आपको माल मिला है और कहाँ से आया है। ये सबसे ज़्यादा आपको ईयर एंड मंथ एंड में आपके अकाउंट या सीए को सबमिट के लिए यूज़ कर सकते हैं। और कई बार आपको कुछ स्कीम्स की पैसे भी जमा किए जाते हैं कंपनी की तरफ से, तो उसकी भी जानकारी दी जाती है किस लिए किया गया है, कहाँ से किया गया है और कितनी राशि जमा की गई है। आगे हेडिंग है चेंज पासवर्ड। जब आपने आपकी शॉपी क्रिएट की उसके बाद मैंने शुरू में एक ऑप्शन बताया था फॉरगॉट पासवर्ड पर, आप क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे एक कंपनी का जनरेटेड पासवर्ड आएगा, पर आप चाहे तो यहाँ चेंज पासवर्ड में जाके अपने मनपसंद का कोई भी नया पासवर्ड सेट कर सकते हैं। और आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि पासवर्ड आपको 15-20 दिन महीने में पासवर्ड चेंज करते रहिए, और आपका पासवर्ड इतना ही मायने जितना कि आपके बैंक या लॉकर का पासवर्ड होता है। ये किसी को ना दे, ये बड़ा ही सिक्योर और सेंसिटिव मैटर होता है, आप किसी के साथ इसे शेयर ना करें। लास्ट बट नॉट द लिस्ट माय अकाउंट, जो एक बहुत ही अहम है। इसमें
आप ध्यान से अपनी जिस फर्म से आपने आपकी शॉपी को रजिस्टर्ड किया है या ऊपर शॉपी नेम को जिस फर्म से या जिस नाम से रजिस्टर्ड किया है उसी की बैंक के खाते की डिटेल, ब्रांच की डिटेल, अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप, आईएफएससी कोड, ये सारी जानकारियाँ ठीक से बारीकी से देख के जमा करें ताकि आपको आपकी इनकम सही वक्त पे आपके सही खाते में मिल जाती है। कई बार यहाँ से कंपनी से सारा पेमेंट हो चुका होता है पर आप तक नहीं पहुँचता है क्योंकि शायद कहीं ना कहीं किसी वजह से आपने एक छोटा सा डिजिट, छोटा सा मार्क्स या छोटा अल्फाबेट मिस कर दिया होता है। तो इसको प्लीज़ ध्यान से सबमिट करें। थैंक यू वेरी मच। ये थी हमारी सारी शॉपी की वेबसाइट की हैंडलिंग की जानकारी, कैसे आप उसको स्टेप बाय स्टेप हैंडल करें। इसके बावजूद भी अगर आप कहीं पे कुछ समझ नहीं आई तो आप ये दोबारा वीडियो ध्यान से देखें, इसकी हमने स्लाइड्स भी बनाई है जो बहुत जल्द आप तक पहुंचा दी जाएगी। तो आप आपकी अपलाइन या लीडर्स से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और फिर भी अगर आपको कोई इश्यूज है तो मुझे या एडमिन स्टाफ में या कंपनी में फ़ोन करके आप ऑफिस आवर्स में 11 से 7 के बीच में कभी भी फ़ोन करके पूछ सकते हैं। और एक और अहम चीज़, आप हो सके उतना आपके ऑर्डर्स और पेमेंट्स 6 बजे तक कर दीजिए क्योंकि 7 बजे शार्प हमारी ऑफिस क्लोज हो जाती है। मैं नहीं चाहता कि क्लोजिंग वाले दिन या किसी दिन आपका बिजनेस चूक जाए। सो थैंक यू वेरी मच और कहीं नहीं जाइएगा, एक छोटे से ब्रेक के बाद अभी और कुछ जानकारियां है लेके हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। सो